अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ एग रोल की रेसिपी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको अंडा खाना पसंद है तो एग रोल की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। एग रोल बनाना मैं शुरू करती हूँ बगैर टाइम वेस्ट किए हुए, तो मेरे वीडियो को इन तक आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले एग रोल के लिए हम इसका डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी आटा मैंने लिए हैं, और अब इसके बाद मैं हाफ कटोरी मैंने मैदा लिया है, और इसके बाद मैंने 1/4 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, और इन तीनों को मिला देंगे। अब इसके बाद हम ऑयल डालेंगे 1 टीस्पून, और तीनों को अच्छी तरह से हम मिला देंगे। अब इसके बाद गुनगुने पानी से हम आटे का डो रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो रेडी कर लें, और यहाँ पे मैंने मैदा और आटा दोनों का कॉम्बिनेशन रखा। आप चाहे तो स्ट्रीट स्टाइल में बनाना चाहती हैं तो सिर्फ मैदा इस्तेमाल करें। डो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम कवर करके मैं इसे रख दूँगी, और इसके ऊपर हम ऑयल थोड़ा सा लगा देंगे कि जो ऊपर की जो परत होते हैं वो बिल्कुल ड्राई ना हो। 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने कवर को हटा दिया। वापस से फिर से हम आटे को गूंद लेंगे। आटे को मैंने दोबारा से इसको ठीक से मिला लिया है। अब इसकी हम लोई रेडी कर लेते हैं। इसे हम मीडियम साइज़ की लोई रेडी करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है या मीडियम साइज़ की बनाएं या छोटी साइज़ की बनाएं। तो इसमें हमने 3 लोई मैंने रेडी किया है, तो बिल्कुल बॉल शेप में मैंने लोई रेडी कर लिया। अब चल नेक्स्ट, अब मैं इसे रोल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे लोई को सूखे आटे में लगा के इसे हम बेल लेंगे, और पराठे को ना ज़्यादा मोटा करें ना ज़्यादा पतला करें। तो जिस तरह एग रोल के लिए पराठे रहते हैं एकदम सेम, वैसे ही आपको इसे रोल करना है। और दोस्तों, जो मेरा बेलन चकला है बहुत ही ओल्ड है, इस पर ध्यान नहीं दीजिए, एक्चुअली बहुत पुराना है, लेने वाले हैं हम। और देख सकते मेरे पराठे एक रेडी हो चुके हैं, एक पराठा हमारा रेडी हो चुका है। तो दूसरा पराठा भी सेम प्रोसेस है, हम इसे रोल कर लेंगे। अगर आपको लच्छे पराठे में पसंद है तो लच्छे पराठे में भी आप इसे बना सकती हैं, और ये मैं सिंपल पराठे जैसे बनते एग रोल मैं वैसे ही इसे बना रही हूँ। तो दूसरा पराठा भी हमारा रेडी हो गया है। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। कुछ सब्जियाँ हैं उसे हम फ्राई कर लेते हैं। पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिए हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑयल, और ऑयल को पैन में अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देंगे। अब यहाँ पे कुछ सब्जियाँ मैंने ली हैं। 1 कैप्सिकम मैंने लिया था जिसको मैंने लंबे शेप में कट कर दिया है। गाजर भी मैंने लंबे शेप में काटा, और यहाँ पे अनियन को भी मैंने लंबे शेप में कट कर दिया है। तो यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। इन सब चीज़ को आपस में मिला देंगे, और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे, ज़्यादा इसे पकाएंगे नहीं। और सब्जियाँ आप अपने मनपसंद की ले सकती हैं। तो कुछ कुछ सब्जी देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। तो अब हम सब्जी को निकाल लेंगे। पराठे को सेकने के लिए यहाँ पे मैंने आयरन तवा का इस्तेमाल किया है, तो मैंने रख दिया था चूल्हे पर और वो बिल्कुल गर्म हो गया। तो इसे हाई फ्लेम पर ही हम रोटी को सेक लेंगे। तो सबसे पहले जैसे डालें तो ऑयल डायरेक्ट नहीं डालना, तो दोनों तरफ से अच्छी तरह से पहले रोटी सेक जाना चाहिए, तब जाके इस पर हम ऑयल लगाएंगे। तो ये दोनों साइड से आप ऑयल लगा के रोटी को अच्छी तरह से आप सेक लें। हल्के हल्के कलर जो उस पर ब्राउन कलर के आ जाते हैं ना, उससे वैसे ही आपको सेकना है। अभी इधर हम टर्न कर लेंगे, देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कलर आया, और एक पराठा मेरा रेडी हो गया। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ, और सेम प्रोसेस से भी दूसरे पराठे को हम सेक लेंगे। तो फ्लेम को हम बिल्कुल हाई रखेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है एग रोल की रेसिपी, जब आपको मन करे घर में बना के खा सकते हैं, बहुत ही ईजिली ये बन जाता है। तो देख सकते हैं दोनों साइड से मैं रोटी को फ्राई कर चुके हैं, और अब इसे भी मैं निकाल लूँगी। अब मैं आमलेट रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पराठे बड़े तो इसलिए यहाँ पे 2 अंडे मैंने लिए हैं, और इस बॉल में हम अंडे को फोड़ देंगे, और यहाँ पे थोड़े से ब्लैक पेपर मैं डालूंगी, और यहाँ पे साल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने दिए हैं, और इसे अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे।
तो अंडा का बैटर मेरा रेडी हो गया है। अब तवा पे 1 टीस्पून ऑयल में डालूंगी। तवा वैसे भी गर्म है, तो अब अंडा का जो बैटर है तवा के सेंटर में मैं डाल दूंगी और इसे थोड़ा सा सेट होने देंगे। हल्का हल्का सा देख लेते हैं, अगर ऑयल की ज़रूरत होगी तो इसमें हम ज़रूर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने और ऐड किया है ऑयल। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा। अब पराठे इसके ऊपर मैं रख दूंगी और इसके हाथों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, जो इसका लिक्विड होगा तो बाहर भी निकल जाएगा। तो देख सकते हैं लिक्विड साइड से निकल चुका है। थोड़ा सा इसे सेट होने देते हैं, हल्के हल्के हाथों से इसको हम करेंगे और मैं अब इसे टर्न कर दूंगी। थोड़े से लिक्विड ज़्यादा थे तो इसलिए ऐसे हो गए हैं, क्योंकि मेरा पराठा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब दूसरे पराठे के लिए भी हम आमलेट रेडी कर लेते हैं। तो बोला पराठा थोड़ा सा मीडियम है, तो यहाँ पे मैंने 1 अंडा लिया है और इसके साथ जैसे मैंने आमलेट रेडी किया था सेम प्रोसेस से वैसे भी इसको हम करना। तो अब इसको हम फेंट लेंगे। अब इसमें ऑयल डालेंगे, क्योंकि ये फ्लैट वाला तवा है नहीं, गहरा है थोड़ा सा, इसलिए अच्छा सा इसमें शेप आ जाता है। तो अब इसके ऊपर हम पराठा रख देंगे और इसे चिपका देंगे। हल्का हल्का से इसको दबाएंगे, सेक लें तो अच्छी तरह से ये पक चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। और अब हम आ गए हैं फाइनल प्रोसेस पर। तो अंडा का पराठा को मैंने प्लेट पे रख दिया है और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने मेयोनीज लिए हैं और इस पर मैं और ऐड करूँगी 1 टीस्पून टोमेटो के। जब इन दोनों को मिला के पराठे के ऊपर स्प्रेड कर लें। आपको जितना भी मेयोनीज और टोमेटो के जब पसंद है तो आप इसमें डाल सकती हैं। और अब इसके बाद जो मैंने सब्जियाँ फ्राई की थी तो पराठे के सेंटर पर मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे ब्लैक पेपर नमक मैंने सब्जी फ्राई करने के समय मैंने डाल चुकी हूँ, तो इसलिए हम नहीं डालेंगे। और अब इसके बाद थोड़ी सी मैंने चाट मसाला मैंने ऐड किया, और आप चाहे तो इसमें चीज़ भी डाल सकती हैं अगर आपको पसंद हो तो। अब मैं इसे फोल्ड कर लूँगी। तो एग रोल का जो पराठा है वो बिल्कुल रेडी हो गया, इसलिए मैंने एक करके मैंने आपको दिखा दिया। सेम प्रोसेस से दूसरा भी हम कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर प्लेटिंग कर लेती हूँ। दोनों एग रोल पराठे को मैंने प्लेट पे रख दिया है और इसके पास एक कटोरी में मैंने टोमेटो केचप रखे। आप चाहे तो थोड़े से सैलेड होते वो भी डाल सकती हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, एग रोल की रेसिपी। तो प्लीज़ दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसी लगी। दोस्तों आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और एग रोल की रेसिपी ज़रूर आप ट्राई करें। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर से आप लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।